Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, I am Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Today I am going to take the topic Gametogenesis. Gametogenesis is the process in which spermatogenesis and oogenesis are involved, that is the production of sperms and eggs that takes place through the process of meiosis. Meiosis is the cell division in which the two N number of chromosomes are कन डिवाइडेड एंड द डॉटर सेल्स कंटेन हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप सब जानते हैं गैमिटोजेनेसिस के अंदर जो है वो स्पर्म के डेवलपमेंट को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और एक्स के डेवलपमेंट को हम ऊ कहते हैं और ये जो गैमिटोजेनेसिस है मियोटिक डिविजन के वजह से कम्प्लीट होता है तो हम सब जानते हैं कि दो तरह के सेल डिविजन्स पाए जाते हैं एक है माइटोटिक डिविज़न और दूसरा है म्योटिक डिविजन देर आर टू टाइप ऑफ सेल डिजन माइटोटिकविजन एंड मियोटिक डिविजन दैट इज माइटोसिस एंड मै माइटो वॉट वी सी एवरी डॉटर सेल इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट जैसे कि पेरेंट कोशिका टू एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के तो डॉटर सेल्स भी टू एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ही कंटेन करते हैं और एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट कोशिका के जबकि मियोटिक डिविजन हमें हम क्या देखते हैं कि जो कोशिका स्टार्ट करता है मियोटिक डिवीजन वो तो टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं यानी डिप्लॉयड होता है कोशिका और जब उस जैसे कि स्पर्म्स बन रहे हैं या एग बन रहा है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि आधे क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये मियोटिक डिवीजन के वजह से जो है टू एन नंबर ऑफ कोशिकाएँ जो है वो एन नंबर ऑफ डॉटर सेल्स में परिवर्तित होते हैं और आधे ही क्रोमोसोम्स पहुँचते हैं तो ड्यूरिंग म्योसिस वॉट वी सी देर आर टू सेल डिविजन्स दपरेट द पेर्ड क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस तो जो न्यूक्लियस हैं उनकी संख्या को जो है वो क्योंकि मियोसिस आप सब जानते हैं मियोसिस वन और मियोसिस टू दो सेल डिविजन्स होते हैं और जिसमें मियोसिस वन जो है वो रिडक्शन डिवीजन हम कह सकते हैं जिसमें पेड क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर वो सेपरेट होते हैं और आधे पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेज पर तो उससे क्या है कि जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो जो गैमिट्स जो बन रहे हैं उसमें क्या कितना पहुंचता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सो द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स इज कॉल्ड ऊजेनेस एंड वॉट वी सी दैट डिप्लॉयड गैमिट सेल्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस एग सेल्स तो जो डिप्लॉयड जो कोशिका थी वो जो है कौन से हैप्लॉइड्स स्पर्म यानी आधे जिसके अंदर आधे संख्या होती है तो इससे क्या हो होता है वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस द सिग्निफिकेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द स्पीसी ऑफ एनी एनिमल बिकॉज एन एनिमल और स्पीसीज सस्टेन एंड मेंटेन इट्स सर्वाइवल थ्रू दिस प्रोसेस दिस फिन अकर्स ओनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो टू एन नंबर ऑफ़ कोशिकाएं जो थी अगर मान लीजिए कि म्योसिस नहीं है म्योटिक डिवीजन नहीं है और वो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं कर पाते हैं तो एवरी जनरेशन में हम क्या देखेंगे एवरी टाइम द क्रोमोसोम नंबर विल बी मल्टीप्लाइड जैसे टू एन पेरेंट दो मेल से आ रहा है और टू एन जो है फीमेल से आ रहा है तो जो जायड जो बनेगा वो कितने हो जाएगा फोर एन अगले उसमें अगर हम देखें फोर एन प्लस फोर एन फिर एट एन तो एवरी टाइम वी सी दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर वी ऑल नो टू सस्टेन द स्पीसीज हैज़ टू मेनटेन इट्स क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और ये जो है इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मियाटिक डिविजन और इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक मेल और एक फीमेल द एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड इज इन द फीमेल और मदर तो जो हैप्लॉयड स्पर्म और हेप्लॉइड एग दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनते हैं वो एम्ब्रियो फिर फीमेल यानी माँ मा के कोख के अंदर यानी फीमेल्स के वोम के अंदर वो डेवलप होता रहता है वहाँ प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहता है और उसका डेवलपमेंट होता है और फिर वो एक यंग वन को बर्थ देता है यानि जन्म देता है आज हम ऊ जेनेसिस को लेंगे तो ऊ जेनेसिस में कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व है ओवरीज ओवरीज जो है उसकी अगर हम संरचना देखें तो जर्मिनल एपिथेलियम ट्यूनिका एल्बिजीनिया कॉर्टेक्स और मेड्यूला जर्मिनल एपिथेलियम जो बाहरी कवच है पूरा जो लाइनिंग है बाहर का जो सिंपल स्कॉमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ रहता है ये जर्मिनल कोशिकाएं हैं जहाँ से हमारा मियाटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और ट्यूनिका एल्बिजी जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वाइटिश कलर का होता है और कॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रोमा है यानी जो आ, ओवा डेवलप हो रहा है उसके आसपास जो कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं फॉलिकल्स ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग डेवलपिंग स्टेज में हम इसके अंदर ओवरी में देख सकते हैं मेड्यूला जो है वो बीच का लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम का जो है वो कनेक्टिविटी बना हुआ रहता है

ये जो कोशिका है सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बहुत सारे उगोनिया उगोनियम जो है वो आ, एक उगोनियम बनेगा फिर दूसरा तीसरा ऐसे जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और माइटोटिक डिवीजन में आप सब जानते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेनटेन फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल डॉटर सेल जो है वो उसमें भी डिप्लॉयड होता है और मदर भी जो है वो डिप्लॉयड होता है तो इसके वजह से क्या है वॉट हैपन्स दैट इवेंचुअली इट रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ वन टू टू मिलियन ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो कितनी मिलियंस ऑफ सेल्स में जो है देखिए ये माइटोटिक डिविजन हुआ है अब इसके बाद जो है द सेल स्टार्टिंग मियोसिस इज कॉल्ड प्राइमरी उइट ये पहला है यानी ऊगोनियम नहीं कहेंगे अब हम उगोनियम हमने तब तक कहा जब तक कि माइटोटिक डिवीजन चल रहा है और जैसे ही स्टार्ट होगा और वो कहलाएगा आपका प्राइमरी दिस सेल विल बिगिन द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन तो उगोनियम जो है वो टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का था ये सारे जो है मल्टीप्लाई होते होते कई मिलियंस में वन से टू मिलियन तक जो है वो डेवलप हो गए हैं बहुत सारे बन गए हैं कोशिकाएं अब जब म्योसिस स्टार्ट हुआ है तो वो हुआ आपका पहला फर्स्ट विच इज़ नोन एज प्राइमरी ऊसाइट दिस सेल विल बिगिन द फर्स्ट म्योटिक डिविजन बट बी अरेस्टेड इन इट्स प्रोग्रेस इन द फर्स्ट प्रोफेज स्टेज पर ये जो है प्राइमरी ऊसाइट प्रोफेज वन आप सब जानते हैं म्योटिक सेल डिवीजन का सबसे लंबा होता है तो इस प्रोफेस स्टेज में जो है ये डिप्लोटीन वाले स्टेज पर अरेस्ट होकर के रहता है प्राइमरी ऊसाइट तो ये यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है ओवरी का ये जब एम्ब्रियो अंदर था फीमेल के कोक के अंदर तब तक ये ओगोनियम बनते रहे और उसके बाद वो प्राइमरी ऊसाइट में अरेस्ट हो करके हैं उसके अंदर ओवरी के अंदर तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल फ्यूचर एग्स आर इन द प्रोफेस्ट एज जब वो एम्ब्रियो बड़ा होकर डेवलप होकर के जब एक यंग वन में परिवर्तित होता है और जब उसका जन्म होता है तो हम देखते हैं उस जन्म के समय ही जितने भी फ्यूचर एग्स हैं वो सब प्रोफेस स्टेज में होते हैं एट एडोलोसेंस यानी जो फीमेल्स के अंदर फर्स्ट मैंस्टरल साइकिल जो स्टार्ट होता है तब एंटीरियर पिचिटरी हार्मोन इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी दिस रिजल्ट इन द प्राइमरी उइट फिनिशिंग द फर्स्ट मियाटिक डिजन द सेल डिवाइड्स अन अब यहाँ पर जब काफ़ी सारे फॉलिकल्स उस डेवलपिंग उस प्राइमरी ऊसाइट के आसपास हो जाते हैं और वो जो है हारमोन्स कहाँ से सिक्रेट हो रहा है पिचटरी हारमोन्स एंटीरियर पिचटरी ग्लैंड जो है वहाँ से जो हारमोन सिक्रेट होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करते हैं और यहाँ पर जो है ये प्राइमरी ऊसाइट का फर्स्ट मियाटिक डिज़न कम्प्लीट होता है तो इस फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न में हम क्या देखते हैं जो टू एन नंबर ऑफ कोशिकाएं थे यानी डिप्लॉयड कोशिकाएं वो एन एन यानी अब आधे हो गए हैं क्रोमोसोम्स पर इसमें हम क्या देखते हैं एक कोशिका बहुत ही छोटा होता है और एक कोशिका काफ़ी बड़ा होता है जिसमें सारा साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो है वो इसके अंदर रहते हैं क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रहता है तो ये कहलाएगा सेकेंडरी दिस सेकेंड सेल इज कॉल्ड ये जो छोटा वाला जो कोशिका जिसके अंदर साइटोप्लासम नहीं गया सिर्फ क्रोमोसोम का एक सेट गया है उसको पोलार बॉडी कहते हैं और वो धीरे से जो है वो खत्म हो जाता है इट यूजली डाइस इस चित्र में अगर हम देखते हैं तो उगोनियम जो है वो डिप्लॉइड थे यानी टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे कंटिनियस माइटोसिस उनके अंदर होता रहा और काफ़ी सारी कोशिकाएं तैयार हो गई हैं जर्मिनल एपिथेलियम में और जब म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होता है वो था प्राइमरी ऊसाइट और वो बर्थ के टाइम तक जो है वो आ, ये प्राइमरी ऊसाइट्स तैयार हो गए हैं और ये प्रोफेज वन के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होकर यानी वहीं पर ही रुक जाते हैं आगे आ, म्योटिक डिवीजन जो है वो नहीं होता है फिर आफ्टर बर्थ जब एडोलेसेंस यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्ट्राइकल जो स्टार्ट होता है तब जो है वो सेकेंडरी ओसाइट यानी वो माया फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होता है और पहला आपका ये सेकेंडरी ओसाइट जिसमें एक कोशिका छोटी होती है और एक बड़ी होती है जो कोशिका छोटी है उसको पोलार बॉडी कहते हैं और जो बड़े साइज में है जिसमें सभी साइटोप्लाज्म पूरा और सेल ऑर्गेनल्स और, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसको सेकेंडरी उइट कहते हैं अब ये जो सेकेंडरी उइट भी है द सेकेंडरी मियोटिक एरेस्ट अगर अब यहाँ दूसरा अरेस्ट हुआ है यानी फिर से सेल डिविजन रुक गया है एंड दिस टाइम इट इज एट मेटाफेज टू स्टेज जो मियाटिक डिवीजन का जो सेकेंड स्टेज है यानी जो मेटाफेज सेकेंड है वहाँ पर जो है ये अरेस्ट होकर के रह गया है अब एट ओव्यूलेशन दिस सेकेंडरी उइट विल बी रिलीज एंड ट्रेवल टूअर्ड्स द यूट्रस थ्रू द ओविडा यूट्रस के थ्रू जो है वो मतलब ये सेकेंडरी उइट जो है वो ओवरी में से रिलीज कर दिया जाता है और ओविडक्ट के थ्रू होते हुए यूट्रस के अंदर पहुंचता है और अगर वहाँ पर सेकेंडरी उइड फर्टिलाइज होता है तो द सेल कंटिन्यूज द मियोटिक सेकेंड डिविजन कम्प्लीटिंग मियोसिस एंड प्रोड्यूसिंग अ सेकेंड पोलार बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब वो आगे मियोटिक डिविजन कम्प्लीट होता है और स्पर्म और एग दोनों मिलकर के जो है वो फर्टिलाइज एग बनाते हैं और एक पोलर बॉडी जो है वो डिसंटीग्रेट हो जाता है सो इनिस वी सी द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी उम उगोनिया द प्रोसेस स्टार्ट बिफोर बर्थ यानी बर्थ के पहले ही जब एम्ब्रियो माँ की कोख में होता है तभी सारे ऊ गोनिया जो है वो बन चुके होते हैं और प्राइमरी ऊ साइड पे अरेस्ट होकर रह जाते हैं और बर्थ होने के और एडोलेसन स्टेज तक यानी प्यूबर्टी तक पहुंचने तक जो है वो अरेस्ट होकर रहते हैं और उसके बाद स्टार्ट होता है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन तो ऊ जेनेसिस इट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री फेजेस फॉलिकुलर फेज ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज फॉलिकुलर फेज इसमें जो है जो बच्चा यानि एम्ब्रियो जो है अभी पैदा नहीं हुआ है तो अगर उसके फर्स्ट फोर मंथ्स में अगर हम देखते हैं तो ओगोनिया इज ग्रुप्ड इन क्लस्टर्स इन द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द ओवरीज सम ऑफ द ओगोनिया डिफ्रेंश इन टू प्राइमरी ओसाइट एंड एंटर्स द फर्स्ट प्रोफेस स्टेज सेवन मंथ्स तक अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द उगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड इंटू प्राइमरी oocyte they एंटर the डिप्लोटिन स्टेट ऑफ प्रोफेस वन इन विच they remain अंटिल बर्थ तो सेवन मंथ्स तक उसका एम्ब्रियो का अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो ओवरी में जो है काफ़ी सारे उगोनिया जो है वो प्राइमरी उइट में कन्वर्ट हो चुके हैं और डिप्लोटिन स्टेज पर अरेस्ट हो कर के रह गए हैं अब बर्थ के टाइम पर जो है उगोनिया एबसेंट है क्योंकि काफ़ी सारे प्राइमरी ऊसाइट्स में हो गए हैं वो और ये जो प्राइमरी ऊसाइट्स हैं फॉलिकुलर सेल्स से कवर्ड हैं और ये किसके वजह से होता है जो एंटीरियर पिचटरी ब्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसके वजह से वो प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ जो है फॉलिकुलर कोशिकाएं बन जाती हैं और ये कहलाएगा प्रीमोडियल फॉलिकल्स इसमें आप देख सकते हैं फोर मंथ्स तक आप ओवरी के स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि उगोलियाँ काफ़ी सारे क्लस्टर्स में यानी माइटोटिक डिवीज़न के वजह से कंटिन्यूस डिवीजन के वजह से बहुत सारे उगोलियाँ जैसे आपको बताया था वन से टू मिलियन तक जो है वो मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं और सेवन मंथ्स तक अगर हम देखते हैं उस एब्रियो के डेवलपमेंट में तो मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ है और जो प्राइमरी ऊसाइट वो प्रोफेस वन का जो डिप्लोटीन स्टेज है वहाँ अरेस्ट हो के वो डिवीजन वहीं रुका हुआ है नेक्स्ट नाइन मंथ्स यानी बर्थ होने तक जब हम देखते हैं तो प्री मॉड्यूल फॉलिकल्स तैयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं जो प्राइमरी ऊसाइट है उसके आसपास खाली जगह दिख रही है जिसमें म्यूकस uh, सिक्रेशन होता है और उसके अगल बगल में जो है वो फॉलिकल कोशिकाएं हैं और ये कहलाएगा प्रीमोडियल फॉलिकल सो एट बर्थ व्हाट वी सी प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल थ्रू आउट चाइल्डहुड यानी जब तक कि फर्स्ट मैं साइकिल स्टार्ट नहीं होता है या एडोलेसेंस कह सकते हैं प्यूबर्टी तब तक जो है वो प्रीमोडियल जो है कोशिकाएं उस साइट उस को जो है वो नरिशमेंट देता रहता है और एंड इट आल्सो सिक्रीट्स उइट मेच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर यानी उस प्राइमरी ऊसाइट को और मेच्योर होने से रोकने वाले जो फैक्टर्स हैं उसका सिक्रीशन करता रहता है अब एट प्यूबर्टी यानी जो फर्स्ट सेक्शल साइकिल जो स्टार्ट होता है फ्यू डेज बिफोर फीमेल सेक्शुअल साइकिल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हारमोन इज सिक्रीटेड एंड प्रोलीफ्रेशन ऑफ ग्रैन्युलेसा सेल्स और अधिक बहुत सारे जो हैं उसके प्राइमरी उइट उस के आसपास जो है वो कोशिकाएं बन जाती हैं जो ग्रेन्यूलेसा कोशिकाएं कहते हैं ऑस्पिंडल सेल्स डिराइव फ्राम इंटोस्टिशियम ऑफ द ओवरी फॉर्म्स अ लेयर थीका पूरा जो है एक का लेयर की तरह फॉर्म हो गए हैं वो कोशिकाएं है, जिनको हम थीका कहते हैं और ये भी जो है दो लेयर्स में होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यानी इंटरनल जो इंटरनल है वाला जो थीका है वो इट सेक्रेट्स एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन है ये और एक्सटर्नल जो है वो इट कैप्सुल ऑफ ग्रैन्युलस यानी काफ़ी सारी कोशिकाओं का बना हुआ एक कवच की तरह जो है उसको प्रोटेक्ट करता रहता है अंदर वाले उस ग्रैनुलेसा सेल्स जो है इट स्टार्ट सिक्रेटिंग फॉलिकुलर फ्लूड धीरे धीरे आप कोशिका में जैसे देख सकते हैं कि बीच में जगह बनती चली जा रही है और उसके अंदर जो है फ्लूड सिक्रेशन होता रहता है एंड इज एस्ट्रोजन दुमलेशन ऑफ फ्लूड फॉर्म्स द एट्रम विच विद इन द ग्रैनुलेसा उस जगह को हम एट्रम कहते हैं द एन लार्ज फॉलिकुलर सेल्स कंटिन्यूस टू ग्रो एंड बिकम्स वेसाइकुलर फॉलिकल द ओवम ऑल्सो ग्रोस इन साइज तो धीरे धीरे हम देखते हैं उस ओवम का जो है वो साइज भी बड़ा होता रह, रहता है इसके अंदर आप वेरियस स्टेजेस देख सकते हैं सबसे पहला प्राइमरी ओसाइट काफ़ी छोटा दिख रहा है फिर धीरे धीरे जो है वो फॉलिकल कोशिकाएं उसके आसपास बढ़ने लगती हैं और फिर वो जो है फ्लूड का सिक्रेशन करते हैं तो उसके अंदर फ्लूड इकट्ठा होता है आसपास ग्रैन्युलसा सेल्स बन जाते हैं और फिर उसके बाद वो रप्चर होता है तो वो जो वो साइड बाहर आ रहा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वो प्राइमरी ऊसाइट अंडरगोस मियोसिस टू बिकम सेकेंडरी उइट अब जो प्राइमरी ऊसाइट था उसमें मियोटिक डिवीजन जो है वो फर्स्ट कंप्लीट हुआ और सेकेंडरी उइट ओवरी में से रप्चर होकर के बाहर निकलता है और इस ओविडक्ट के थ्रू जो है वो यूट्रस में पहुंचता है और इस बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो यूटरस में जा कर के इम्प्लांट हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ओवम है उसमें सेंटर में जो है वो प्राइमरी ऊसाइट उसके आसपास कोशिकाएं हैं और बीच में एट्रम जो फ्लूड भरा हुआ है थीका इंटरना और थीका एक्सटरना ओव्यूलेशन किसको कहते हैं द प्रोसेस वेयर बाय अ सेकेंडरी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी अब ओवरी में से जो रप्चर होके जो निकल रहा है बाहर उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट ल्यूटियल फेस कौन सा हुआ रप्चर होके जो सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया है तो जो बची हुई कोशिकाएं हैं तो रिमेनिंग थीका एंड ग्रेन्युलेसा सेल्स इन ओवरी आर कन्वर्टेड टू ल्यूटियल सेल्स बिकम्स एन लार्ज एंड फिल्ड विथ येलोइश फ्लूड एंड दैट मास वो जो बचा हुआ जो मास है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सप्लाई होता है इसके अंदर और ये भी हारमोन सिक्रेट करता है और उस हारमोन को हम कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन तो वॉट इज कॉर्पस ल्यूटियम कारपस ल्यूटियम लूजस सिक्रट्री फंक्शन एंड ये लोइ लिपिड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्वेल्व डेज आफ्टर ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन के 12 दिन बाद अगर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो कार्पोस ल्यूटियम जो है धीरे धीरे अपना सिक्रेटरी फंक्शन जो कि वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट कर रहा था वो जो है वो कम होने लग जाएगा और वो येलोइश हो करके और जो परिवर्तन आया है उसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स अब इसके अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में रिप्लेस हो जाएगा तो अगर हम टाइम देखते हैं तो एम्ब्रियो वाले स्टेज में हम क्या देखेंगे जो प्राइम आ, उगोनियम जो थे वो मल्टीप्लाई होते रहे और फिर फर्स्ट प्राइमरी ऊसाइट के जो है डिप्लोटीन स्टेज में जो है वो अरेस्ट होकर रहे हैं और बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक वो डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट होकर ही रहेंगे जितने भी देखिए ऑल उड्स रिमेन इन द डटेट स्टेट इसको हम इस जो डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट होकर रह रहे हैं उस अवस्था को हम क्या कहते हैं ये अट्ठ ऑफ स्ट्रेसिस वेर द डेवलपिंग अरेस्ट इन डिप्लोटीन ऑफ द फर्स्ट मोटिक प्रोफेस फॉलोइंग इनिशियल मैचोरे मदर इज एन एम्ब्रियो इन हर वो माँ के कोख के अंदर अभी एम्ब्रियो पैदा नहीं हुआ है तब तक जो है यानी बर्थ होने तक जो फ्यूचर एग्स हैं वो सारे प्राइमरी उइड स्टेज पर डिप्लोटीन वाली अवस्था में जो है अरेस्ट होकर के रह जाते हैं एंड दिस इज मीडिएटेड बाय मियोसिस स्टेबलाइजिंग फैक्टर जैसे आपको बताया था ना कि मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर फॉलिकल कोशिकाएं बनाते रहते हैं ताकि वो और आगे मैच्योर नहीं हो सके तो एट द बिगनिंग ऑफ अ साइकिल अ नंबर ऑफ उड्स इन प्री मोडियल फॉलिकल्स आर स्टिम्यूलेटेड बाय पिचटरी गोनेडोट्रोपिनस टू कंटिन्यू देयर मैच्योर अब यहाँ पर जो है जो पिचटरी ग्लैंड है वो गोनेडोट्रोपिनस रिलीज करता है जिसके वजह से प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो है वो स्टिम्युलेट होते हैं और नेक्स्ट अवस्था में पहुंचने के लिए यानी म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट करने में जो है वो स्टिमुलेट करता है तो मेनली ड्यू टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंसेंट्रेशन आइदर ब्लॉक्स और डीएक्टिवेट्स द म्योसिस स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो एज ए रिजल्ट वॉट हैपन्स एग मेचुरेशन कंटिन्यूस एंड म्योसिस वन अकर्स तो ये हार्मोन्स के जो है सिक्रिशंस के वजह से और उनके कंट्रोल के वजह से जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन्स ल्यूटिनाइजिंग हारमोन्स ये सब कहाँ से आ रहे हैं एंटीरियर पिचटरी ग्लैंड तो ये उस प्राइमरी उइट को और मेच्योर होने में यानी म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं स्टिमुलेट करते हैं और फर्स्ट म्योटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा इन मैनी species the oocyte then अरेस्ट एट मेटाफेज ऑफ म्यूसिस अंटिल आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमन बीन है उसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होने तक जो है वो आ, फर्स्ट जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होकर के जो सेकेंडरी ऊसाइट बना है वो सेकेंडरी ऊसाइट का जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन जो स्टार्ट हुआ है वो मेटाफेज स्टेज पर अरेस्ट होके रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा वरना वो मेटाफेज स्टेज पर अरेस्ट होकर ही रहेगा तो हमने क्या देखा था कि बर्थ के और प्यूबर्टी के बीच में जो है कौन सा स्टेट था डिक्टिएट स्टेट था जिसमें प्राइमरी ओसाइट जो है वो अरेस्ट होकर के रहते हैं डिप्लोटीन स्टेज पे। अब प्यूबर्टी के बाद जो है जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ जब स्टार्ट हुआ है तो हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी ऊसाइड जो है उसका मेयोटिक डिविजन कंप्लीट हुआ है और सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हुआ है जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन हुआ अब ओव्यूलेशन होने पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा वरना जो कॉर्पियस ल्यूटियम है वो जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा था वो भी अपना सिक्रेशन बंद कर देगा और वो कॉर्पस एल्बिक बनकर और कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या देखते हैं मेनोपॉज मेनोपॉज वो वाली अवस्था है जब फर्दर मोटिक डिविजन्स नहीं होते हैं और सेकेंडरी उइड्स नहीं बनते हैं तो मेनोपॉज और डेथ के बीच में यानी किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सेकेंडरी ओसाइट का किसी भी तरह का ओसाइट्स का तो हम क्या देखते हैं ओवरी के अंदर सारे ओसाइट्स जो हैं वो नहीं होते यानी देर आर नो ओसाइट्स रिमेनिंग इन द ओवरी तो प्यूबर्टी और मेनोपोस के बीच में हम क्या देखते हैं बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं प्री फॉलिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर डीजनरेट होते रहते हैं कुछ हैं जो ओव्यूलेशन होते रहते हैं और एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर जो है वन ओव्यूलेशन हम देख सकते हैं फटाफट अगर हमें एक रिकैप देखना चाहे तो प्रीमोडियल जर्म सेल जो एपिथीलियल मेम्ब्रेन था किसका ओवरी का वहाँ पर ऊगोनियम सिंगल ऊगोनिया प्लूरल तो ये सारे ऊगोनिया जो बन रहे हैं वो कौन से डिवीजन से हो रहे हैं माइटोटिक तो, डिवीजन से माइटोसिस से और ये सब टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी डिप्लॉइड कोशिकाएं ही होती हैं अब ये उगोनियम जब पहला म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी ऊसाइट अब ये प्राइमरी ऊसाइट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट करता है बट डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्ट होकर रह जाता है और बर्थ से लेकर के जो चाइल्डहुड वाला फेज़ है यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकल प्यूबर्टी या एडोलेसेंस अवस्था पर जब तक वो पहुंच नहीं जाते हैं तब तक जो है वो अरेस्ट हो के रहता है और फिर वो अपना कंप्लीट करता है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिचुटरी ग्लैंड से और फर्स्ट पोलार बॉडी हम यहाँ पर देखते हैं स्टेज पे जिसमें वो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और दूसरे में भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट अब ये सेकेंडरी उइट भी अरेस्ट हो के रहेगा ओविलेशन तो हो जाएगा और वो पहुँच जाएगा ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस के अंदर बट अगर इस बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और हेप्लॉड ओवम और फिर दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी हम देख सकते हैं और वो भी डिसिनटिग्रेट हो जाएगा डिजनरेट हो जाएगा और ये जो ओवम है वो इम्प्लांट होगा यूट्रस में और उस ऑफस्प्रिंग यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा यूट्रस के अंदर थैंक यू सो मच